अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम एक नई प्रैक्टिस नाउ 3 स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको प्रैक्टिस नाउ 1, 2 एंड बाकी भी समझ आ गई होंगी। और ये जो प्रैक्टिस नाउ 3 है, इससे बहुत से क्वेश्चन रिलेट करते हैं। 5 एक एक साइज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसका जो क्वेश्चन है वो सिमिलर विद 7A एंड B, जो 7 क्वेश्चन करना है आपके उससे सिमिलर होगा। और 13 एंड 14 क्वेश्चन भी इससे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है कि आप मैथमेटिक्स जब भी करें अपनी पेंसिल नोटबुक साथ रखें और साथ साथ आप सॉल्व करें, और जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं और जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर आउट हो जाती हैं। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा हम प्रैक्टिस नाउ 4 एंड 5 भी आज डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको 5A में कोई क्वेश्चन समझना है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी, बिकॉज 5A काफ़ी लेंथी है और इसके सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं। तो आप जिस पार्ट के कहेंगे मैं उसकी वीडियो बना दूंगी और नेक्स्ट उसी की वीडियो होगी। और नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रैक्टिस नाउ 3 के बाद 4 एंड 5 भी है, और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फॉर्मूलाज लगने हैं और उसकी अलजेब्रिक और लीनियर इक्वेशंस वगैरह को हमने ना देखना है, इनका कंपेरिजन करना है और फिर वैल्यूज पुट करनी है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको रिमाइंड करने की ज़रूरत है। बाकी ये क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नाउ जो 3 है, इसका ए पार्ट है 8/2x-3=4, एंड दूसरा जो पार्ट है वो है y-3=5y+4=3/2। तो हम पहले इसका ए पार्ट डिस्कस करेंगे, देन बी पार्ट करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ए पार्ट है 8/2x-3=4। अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो है एज अ एलसीएम काउंट होगा, तो हम दोनों साइड पे 2x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 8/2x-3=4 2x-3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जस्ट यहाँ पे 8 रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा 4 जो है वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 4 2 8x-4 3 12=8, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 8x-12 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे भी +12 करेंगे और यहाँ पे भी +12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट 8x रह जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 एंड +20 होते हैं। और देन हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, 20 × 8 8 कैंसिल, x=2 4 8 2 10 20। इसकी फर्दर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4 2 5 10, तो हमारे पास x=5/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम मिक्स फॉर्म में करें तो क्या होगा, 5 2 2 4 1, इसको होगा 2 1/2। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप है हमारा जो भी नीचे अमाउंट लिखी है उसका हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, हमने दोनों साइड पे इस चीज़ को मल्टीप्लाई किया है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 8 आ गया और फिर हमने 4 को इससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास 2x-3 आ गया। ओके, सो ये उसके बाद फिर हमने क्या किया था, 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से भी किया और देन 3 से भी किया। उसके बाद ये जो -12 है ये +12 दोनों साइड पे किया। ठीक है, और देन हमने 20 को और 8 को दोनों को 8 से डिवाइड किया, फिर इसकी कटिंग कर दी हमने 2 के टेबल से, देन फर्दर इसकी कटिंग की 2 के टेबल से, तो हमारे पास 5/2 आया और 5/2 को हमने मिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। इसका जो बी पार्ट है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम है ये देखना
कि ये y माइनस थ्री है, y प्लस थ्री है, दोनों तकरीबन सेम इक्वेशन जैसी हैं. हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, मींस कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा. ठीक है, तो अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मीन्स हम लिखेंगे 2y माइनस थ्री इक्वल 3y प्लस फोर. ठीक है, देन क्या होगा, हमारे पास 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा और 2 3 6 इक्वल 3y प्लस 3 4 12. ठीक है, तो 2y माइनस 6 प्लस 6 करेंगे, 3y प्लस 12 प्लस 6 करेंगे, तो 12 एंड 6 हमारे पास 18 हो जाएगा, 3y एज इट इज़ आ जाएगा 2y, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, ज़ीरो हो चुका है. और अब क्या होगा, 2y माइनस 3y होगा, 3y माइनस 3y प्लस 18, 2y में से 3y निकल जाएंगे तो हमारे पास जस्ट 1y रह जाएगा, माइनस 1y, और यहाँ पे ये कैंसिल हो के 18y इधर रहेगा. हम इन दोनों को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो के y इक्वल माइनस 18 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये रूल है कि अगर किसी एक के साथ माइनस लगा हुआ है डैट मीन्स कि हमने उसमें लगाना है. ठीक है, तो ये तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. अब हम प्रैक्टिस नाउ 4 की तरफ मूव होंगे. इसको हम सारे स्टेप्स देख लिए. पहला स्टेप में हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है. देन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद उनको जो सिंपल वाले होंगे प्लस, अगर उसके अपोजिट साइन लगाने दोनों साइड पे माइनस 6 है तो प्लस 6 लगाएंगे दोनों साइड पे. और उसके बाद फिर हमने जो y है उसको इस साइड पे लेके आना है. इसमें हम क्या करेंगे, माइनस 3 दोनों साइड पे करेंगे, माइनस 3y, तो एक साइड पे हमारा कैंसिल हो जाएगा जिस तरफ हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 1y रह जाएगा, और माइनस 1 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास माइनस 18 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा. अब हम प्रैक्टिस नाउ 4 की तरफ मूव होते हैं. अगर हम प्रैक्टिस नाउ 4 में इसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कह रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट द नेट फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, वेयर एम इज अ मास एंड ए इज द एक्सलेशन ऑफ द बॉडी. द यूनिट्स ऑफ फॉर एफ एम एंड ए आर द न्यूटन एंड द किलोग्राम एंड द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर respectively. If m is equal to 1000 kg and a is equal to 0.05, then find the net force. If f is equal to 100 and a is equal to 0.1, then find the mass. So हमने दोनों चीज़ें find करनी है. इसमें उन्होंने हमें दो कंडीशन दी हैं. पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास मास 1000 kg है और एक्सेलेरेशन 0.05 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे फोर्स कितनी एक्ट करेगी. और दूसरी कंडीशन ये दी है कि अगर फोर्स हमें 100 न्यूटन दी है और एक्सेलेरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड दिया है तो हमारे पास मास कितना होगा. तो दोनों कंडीशन में हमने दो डिफरेंट चीज़ें फाइंड करनी है जो कि इसी फार्मूला के अंदर है. हम उसको इसी फार्मूले को यूज़ करके हुए सारे क्वेश्चन इन दोनों पार्ट को अच्छे से करेंगे. लेकिन पहला काम है कि आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें कि क्या क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, हमें फाइंड क्या करना है. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं इट मींस कि आपके लिए आंसर भी निकालना बहुत इजी होगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे. और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है जो क्वेश्चन को समझने की, जब तक वो क्लियर नहीं होगी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे. क्योंकि क्वेश्चंस की स्टेटमेंट डिफरेंट होने की वजह से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है. दैट्स नॉट मीन, अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें और उसको समझ रहे हैं आपके लिए हर क्वेश्चन ईजी लगेगा. आप ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगा. बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फुल अटेंशन जो है वो जो रिक्वायर करता है, उसकी डिमांड है, फुल अटेंशन होगी तो वो मैथ्स जो आपको समझ. कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड उनके पास होते हैं माइंड, वो ईज़िली जो है वो मेमोराइज कर लेते हैं ईच एंड एवरी थिंग और मैथ फार्मूलाज उसका मैथड. तो वो उनके लिए तो एक एक्सेप्शनल केस है ना. बाकी स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल सभी के लिए कि मैथ एक फोकस एंड अटेंशन डिमांडिंग सब्जेक्ट है. सो अब हम प्रैक्टिस नाउ 4 करेंगे. इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला वो कह रहा है. ठीक है, अब वो कह रहा है कि
फोर्स हमें जो है वो दी हुई है, सॉरी फोर्स फाइंड करनी है, और हमें क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ 1000 kg और एक्सलेशन दिया हुआ है 0.05 meter per second स्क्वायर। अब हमने अगर इसमें फोर्स फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला लगाएंगे, m की जगह 1000 पुट करेंगे और a की जगह 0.05 पुट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1000 है इसका हम पॉइंट, अगर हम देखें तो 0.05 बाय 100 आएगा, इसका पॉइंट रिमूव हो जाएगा, 100 इससे हमारे पास 0 0 कट जाएंगे तो 10 इंटू 5 रह जाएगा, तो हमारे पास 50 जो न्यूटन है वो फोर्स हम निकल आई है। तो F इज इक्वल टू 50 न्यूटन इसका आंसर होगा ए पार्ट का। अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूं, तो ये ए पार्ट हमारे पास जो है वो सॉल्व आउट हो चुका है। अगर हम इसी तरह बी पार्ट करें, ठीक है, मैं बी पार्ट भी इधर सामने कर देती हूँ बिकॉज आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम बी पार्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, F गिवन है 100 न्यूटन, मास फाइंड करना है, एक्सलेशन है 0.1, दैट मीन्स कि 100 ये जो 0.1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा मास, तो 0.1 का अगर हम पॉइंट फिनिश करें तो इसके नीचे हम 10 लगाना पड़ेगा हमें, और यही 10 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे जस्ट 1 रह जाएगा, और 10 इंटू 100 हमारे पास क्या हो जाएगा 1000, तो 1000 kg जो होगा वो हमारे पास m आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मास भी निकला है 1000 kg है और फोर्स निकला है 50 न्यूटन है, और हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, हमने फोर्स भी निकाल लिया है और मास भी निकाल लिया है। अब हम प्रैक्टिस नाउ 5 and 6 करेंगे, और लेकिन हम जो है प्रैक्टिस नाउ जो 5 है थोड़ी सी वो टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा बिकॉज उसका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होगा एज़ कम्पेयर टू दिस क्वेश्चन, और हम इसलिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें हम प्रैक्टिस नाउ 5 and 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, और होपफुली आपको ये प्रैक्टिस नाउ समझ आई होगी, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग उसमें हो और आप इजीली अपने 5A के क्वेश्चंस एंड 5B के क्वेश्चंस सॉल्व आउट कर सकें। दुआ में याद रखिएगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।